सर आई एम प्रतिभा एंड आई हैव अ क्वेश्चन कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए कि मुझे स्ट्रेस कम फील हो। प्रतिभा आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, स्ट्रेस पूरी रहने वाली है। किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, क्योंकि स्ट्रेस का प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो आपके माइंडसेट से लेना देना है, है ना। अभी किस प्रोफेशन में आप? सेल्स में। ओके, कितना आवर्स लगाते हैं आप? अराउंड 8 आवर्स लगाते हो? नहीं, ज़्यादा लगाते हैं आप, क्योंकि वो जो आना जाना, ट्रैवलिंग, तैयार होना। सो कितना टाइम हो गया? अराउंड 10 टू 12 आवर्स आप लगाते हैं। और कितने टाइम से कर रहे हैं जॉब? 8 ईयर्स से। सोचो ना, तो ये झुर्रियाँ ये तो मजाक कर। सो आप ये देखें कि आप सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, 8 आवर्स हो गए हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता है, तो उसका असर क्या होगा आपकी हेल्थ पे? क्या असर होगा? हेल्थ इफेक्ट होगी, माइंडसेट इफेक्ट होगा। मैं बताऊं इसका फ्यूचर में क्या होने वाला है? अगर यही चीज कैरी ऑन होगी आपके साथ, तो फ्यूचर में एक तो बाल सफेद हो जाएंगे, आंखों पे झुर्री आ जाएंगी, हार्ट अटैक आने की चांसेस ज्यादा हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। फैमिली के अंदर जाओगे ना, हस्बैंड वाइफ के झगड़े चलेंगे, ऑफिस से थक के गए हो, बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारोगे, मतलब आपकी पूरी लाइफ का एक एंगल नहीं, प्रोफेशनल के साथ आपका हेल्थ हिलेगा, आपका पर्सनल हिलेगा, आपका फैमिली का एंगल हिलेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो सब लोग फेस कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए बैठिए आप। सो प्रतिभा, मैं आपसे बोलूंगा आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, स्ट्रेस तो रहने वाली है, क्यों? बट स्ट्रेस का प्रोफेशन से लेना देना उतना नहीं है जितना आपके माइंडसेट से लेना देना है। मैं 2-3 पॉइंट्स आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाए शायद, है ना। एक बार एक लड़का था और वो ऑफिस से बड़ा थका हुआ, आपकी तरह गया ऑफिस से, बड़ा लेट गया बेड पे जाके कि बड़ा थक गया हूँ मैं, जूते भी नहीं खोले हैं, कपड़े भी नहीं खोले हैं, लेटा हुआ है। मदर आती है, बेटा खाना तो खा लो, उसका डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी बिल्कुल टच मत करना, ऐसे लेटा हुआ है। अभी कुछ टाइम बीता है, उसके फ़ोन की बेल बजती है, वो फ़ोन उठाता है, हेलो, उसने, मैं स्वीटी बोल रही हूँ। हाँ हाँ स्वीटी बोलो। जैसे ही स्वीटी की आवाज़ सुनाई दी, वो वापस खड़ा हो गया बेड पे, टोन चेंज हो गई है, वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी थकावट गायब हो गई है। अभी स्वीटी बोलती है, क्या वो नाइट क्लब चलोगे पार्टी के लिए? उसने कहा हाँ। वो तैयार होके आधे घंटे में क्लब पहुंचता है, 8 बजे घर पहुंचा था, बिल्कुल थका हुआ था, अब 12-1 बजे तक स्वीटी के साथ पार्टी कर रहा है, मस्ती कर रहा है, अब उसे थकावट नहीं हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपने बोला बड़ी स्ट्रेस हो जाती है, थकावट हो जाती है, अरे थकावट थी 8 बजे थी, पर 12 बजे तो नहीं थी, क्योंकि वो स्वीटी के साथ था। किसकी वजह से थकावट? अब मैं स्वीटी तो समझ रहा, मैं स्वीटी तो पकड़ा नहीं पाऊंगा कहने का मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है, मतलब ये है कि अगर आप अपने काम को स्वीटी की तरह ले लो, स्टार्ट लविंग योर वर्क, दो ऑप्शन है, या तो उस प्रोफेशन में आओ जिसको आप प्यार करते हो, आपको थकावट कभी नहीं होगी। तेंदुलकर को थकावट होती होगी? क्या बात कर रहे हो। रणबीर कपूर अगर कोई एक्टिंग कर रहा है, उसको थकावट होती होगी? नहीं होती होगी ऐसे लोगों को, बिकॉज थकावट यहाँ का लेना देना है। कोई काम आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आप पूरा दिन लगे रहो, आप वापस फ्रेश होकर निकलोगे। मान लो कोई गेम खेल रहे हो कुछ दोस्तों के साथ, थकावट नहीं होगी। बट कोई काम ऐसा है जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, 5-10 मिनट में थक जाओगे। सो कहने वाला थकावट यहां से हो रही है, स्ट्रेस यहां से हो रही है, प्रोफेशन का लेना देना नहीं है। सो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ऐसे प्रोफेशन में जाओ जिसको आपको अच्छा लगता है, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, तो जो आपको अच्छा लगता है उस प्रोफेशन में घुस जाओ, या दूसरा ऑप्शन ये है, स्टार्ट लविंग योर प्रोफेशन। नहीं तो जैसे ज्यादातर लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, जो जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं संडे मंडे एटीट्यूड से। संडे मंडे एटीट्यूड सुना है? मैं बताता हूँ आपको, संडे मंडे में होता है संडे, मंडे संडे, उफ मंडे, मंडे मतलब 6 डेज हैं आपको काम करना है। इस माइंडसेट से काम किया तो दुनिया भर की हेल्थ, स्ट्रेस, वरीज, एज कम हो जाएगी, बीमारियां लग जाएंगी। सो आपके पास ऑप्शन है कि मंडे में भी
सो वो उस प्रोफेशन में घुस जाओ. अगर उस प्रोफेशन में नहीं हो सो मैं एक दूसरा पॉइंट बताना चाहूँगा आपको. एक बार क्या था, एक कुछ इमारत का निर्माण हो रहा था. एक आदमी पहले आदमी के पास जाता है, उससे पूछता है, भाई साहब क्या कर रहे हो? मतलब क्या कर रहा हूँ यार, अपनी दाल रोटी कमा रहा हूँ, लगाऊ बच्चों की दाल रोटी कमाने के लिए. वो ईंटें चिन रहा था. दूसरे आदमी के पास जाता है वही आदमी, उससे पूछता है, कहता भाई साहब आप क्या कर रहे हो? कहता है कि मैं जो है ये एक ईंटें चिनने का काम कर रहा हूँ, नींव बना रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ मैं. तीसरे आदमी के पास जाता है, कहता है आप क्या कर रहे हो? कहता है मैं एक खूबसूरत मंदिर के निर्माण में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ. थकावट किसको कम होगी? थर्ड वाले को. काम वही कर रहा है, ईंटें ही चिन रहे हैं, पर थर्ड वाले की लाइफ अच्छी जाएगी, थर्ड वाले को स्ट्रेस कम होगी, थर्ड वाला ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा उसकी. तो इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट. अब आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाओ. आप मार्केटिंग में हैं, आप अकाउंट्स में, आप फाइनेंस में हैं, आप कंप्यूटर के बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप ये कॉन्टेक्स्ट ले आओ, कोई अच्छा कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा. जैसे उस व्यक्ति ने बोला एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, अब उसकी लाइफ जो है जन्नत जाने वाली है. अदरवाइज जो बाकी के लोग हैं, या जैसे आप, वो हेल है. हेल का समझ आ रहा है? जहन्नुम. सुबह शाम आप ऑफिस नहीं है, वो जहन्नुम में बैठो, मजबूरी में स्लेव की तरह बिहेव करोगे. क्योंकि मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि घर की किश्त देनी है, रेंट देना है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, मजबूरी है. सो पैसा तो कमाना ही है, पर अब वो रो के कमाओ या हंस के कमाओ. मैं आपसे बोल रहा हूँ, दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप कर सकते हो वो कर लो. पहले तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा प्रोफेशन ढूंढो जिसमें मज़ा आता है, पूरी लाइफ का पता नहीं चलेगा. कई बार ऐसा होता है ना, कोई हॉस्पिटल में बीमार होता है और कोई डॉक्टर आके बताने वाला होता है कि ये रिजल्ट है, 3 मिनट बाद डॉक्टर ने आना है, 3 घंटे लगते हैं. वो टाइम अगर बुरा जा रहा होता है तो 3 मिनट 3 घंटे के बराबर लगते हैं. कभी फ्रेंड्स के साथ मस्ती में हो, घूम रहे हो कहीं, पूरा दिन जो है 5 मिनट में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का. सो टाइम जो है बड़ा फास्ट मूव करता है जब आपको मजा आ रहा होता है. सो स्टार्ट लविंग योर प्रोफेशन. ऐसा कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप कर लो अपने दिमाग में, ताकि आपको लगे कि कोई जो भी काम कर रहे हो बड़ा स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो मन लगा के कर रहे हो. अपने जो दिमाग के अंदर शिकायतें हैं ना, उनको ड्रॉप करना पड़ेगा. किसके लिए? अपने लिए, सो दैट आपकी लाइफ अच्छी जाए. सो किसी ने एक चीज बोली थी, मैंने कहीं एक कोटेशन पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी. अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 घंटा अच्छा जाए तो सेक्स करो, 3 घंटे अच्छे जाए मूवी देखने चले जाओ, 1 day 2 days अच्छे जाए उसके लिए कहीं पिकनिक पर चले जाओ, 1 साल अच्छा निकलना चाहिए आपका, शादी कर लो, हनीमून. और थोड़ा लंबा टाइम चाहिए तो कहीं से आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल जाए या कोई लॉटरी लग जाए, 2 साल अच्छे चले जाएंगे. पर अगर आप चाहते हो आपकी पूरी की पूरी लाइफ बहुत अच्छी जाए, स्टार्ट लविंग योर वर्क, नंबर 1. या ऐसे प्रोफेशन में आ जाओ जो कि आप पसंद करते हैं, जिसमें आपको मजा आता है. है ना, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि किस प्रोफेशन में जाऊं. मैं कहता हूं कि एक ऑप्शन ट्राई करो. जैसे मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना, एक मिठाई टेस्ट करी, दूसरी मिठाई टेस्ट करी, तीसरी मिठाई टेस्ट करी, 10 मिठाई टेस्ट करी. आपसे मैं बोलूंगा, जब स्टूडेंट लाइफ में है, एक ऑप्शन ट्राई करके देखो 5 दिन 10 दिन, दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखो, तीसरा ऑप्शन ट्राई करके देखो, और जिस काम में आपको मजा आने लग जाए उसको अपना प्रोफेशन बना लो. इट इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई अ राइट प्रोफेशन जिसमें आपको मजा आता हो. सबको रसगुल्ले तो अच्छे नहीं लगते ना, पर रसगुल्ले कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं. आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सो दैट, क्योंकि आपकी, आपका फाइनली क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का फाइनल फ्यूचर पता है आपको? 2 तरीके के फ्यूचर होते हैं. एक होता है प्रिडिक्टेबल फ्यूचर, हो सकता है आप सेल्स हेड बनोगे, सेल्स मैनेजर बनोगे, सेल्स डायरेक्टर, ये प्रिडिक्टेबल है, पता नहीं होगा या नहीं होगा. एक है कन्फर्म्ड फ्यूचर. कन्फर्म्ड फ्यूचर है 4 लोग आपको कंधे में उठा के कन्फर्म्ड है. सो ये टाइम जो है आपके पास से लेके जब तक आपकी डेथ नहीं हो रही है, राइट नाउ का जो मूवमेंट है वो आपका अच्छा जाएगा.
कब? जब आप उस प्रोफेशन में होंगे जिसे आप पसंद करते हैं, या जिस प्रोफेशन में आप हैं उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके स्टार्ट लविंग दैट प्रोफेशन। रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर दीजिए। सो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मैसेज मिल गया है। हर वीडियो के अंदर मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन देता रहता हूं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कर दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट्स में डाल दीजिए। हो सकता है मैं उसको रिवर्ट इमीडिएटली ना करूं, पर आने वाले टाइम में मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको उसके सॉल्यूशन जरूर देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।